वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने इसमें बताया था कि मैं आज फ्लेक्सिबल बॉडी होने के लिए क्या क्या चाहिए, उसके बारे में आज बताने वाली हूँ। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से वो देखिए वीडियो, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी टिक करना ना भूलिए। तो चलिए आज मैं आपको फ्लेक्सिबल बॉडी होने के लिए क्या क्या चाहिए उसके बारे में बताती हूँ। तो पहले तो मतलब मैं 3 पॉइंट्स बताने वाली हूँ उसके बारे में। तो क्या आप रेडी हो सुनने के लिए? तो चलिए, तो रेडी हो तो मैं आपको बताती हूँ। तो पहला तो हमें मॉर्निंग वॉक के लिए जाना पड़ेगा, समझती हो? अगर आप सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे तो आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। और कुछ लोगों को मतलब वो हैबिट होती है कि वो सुबह 9-10 बजे उठ कर जाते हैं, तो वो उनके लिए सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो मॉर्निंग वॉक के लिए जाना पड़ेगा आपको, बहुत अच्छा मॉर्निंग वॉक, जहाँ मतलब बहुत नॉइज़ पोल्यूशन नहीं हो, बहुत ट्रीज हो। और हम अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो सुबह, तो उससे क्या हमारे ऑक्सीजन भी बहुत अच्छा मिलता है, ऑक्सीजन भी बहुत हमें मिलता है, और हमें हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। और डांस के लिए भी अच्छा है फ्लेक्सिबल बॉडी होने के लिए। क्या ये अगर आप मुझे एक प्रॉमिस करो कि आप अगले दिन से आप चलने के लिए जाओगे, क्या प्रॉमिस? तो ठीक है, और मैं भी यहाँ चलने के लिए आई हूँ। आप देख सकते हैं, ये देखो नज़ारा, देखो इसका, ये देखो मैं भी यहाँ चलने के लिए आई हूँ। आप देख सकते हैं मैं भी सुबह रोज़ 6 बजे उठ के मैं भी यहाँ चलने के लिए आती हूँ। तो क्या आपको यह नज़ारा बहुत अच्छा पसंद है? तो जल्दी से मुझे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को टिक करना ना भूलिए। तो ये देखिए, ये हमारा नज़ारा था, यहाँ भी मैं रोज़ चलने के लिए आती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ चलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है। तो अगर आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये जगह कैसी लगी। तो फिर ये देखो, आप फिर से देखिए ये रोड, यहाँ से रोज हर दिन मैं चलने के लिए आती हूँ। तो चलिए हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा वार्म अप एंड योगा। योगा हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और डांस के लिए फ्लेक्सिबल बॉडी होने के लिए तो बहुत ही अच्छा। और उसमें से वार्म अप भी करेंगे, मतलब हैंड रोटेशन, ये देखो हैंड रोटेशन 1, 2, 3, 4, 5 बैकवर्ड्स 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हम दोनों हाथ से भी करेंगे। और तो चलिए, और वार्म अप के लिए, वार्म अप करने के बाद हमारी माइंड फ्रेश भी हो जाता है, और हम स्ट्रांग भी बन जाते हैं, हेल्दी भी बन जाते हैं। और वार्म अप करने और योगा करने से हमें भूख भी लगती है। अगर आपको भूख लगती है मतलब योगा करने के बाद या वार्म अप करने के बाद, तो आप जंक फूड मत खाइए। अगर आपने जंक फूड खाया तो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो ये था दूसरा पॉइंट। तो हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि है थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट है खाना, हमारा खाना। अगर आप सुबह उठ के चलने के लिए जाते भी हो और आके आप जंक फूड खाते, कैडबरी खाते, चॉकलेट खाते, तो ये सब मत कीजिए, आपका कोई भी चलने का उपयोग नहीं होगा। अगर आपको खाना ही है तो हेल्दी फूड खाइए आप। हेल्दी फूड से क्या हमें स्ट्रांग भी हो जाएगा, और मतलब हेल्दी फूड में क्या आप खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी सुबह आप चल के, मैं भी सुबह चल के ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ घर में जाके। तो आप भी ड्राई फ्रूट्स खाइए, वो सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये था थर्ड पॉइंट का, मतलब मेरा थर्ड पॉइंट का फूड का एक्सप्रेशन। तो चलिए, और मैं आप डांस के बारे में बताती हूँ। तो डांस करने के लिए हमें क्या चाहिए? हम कॉन्फिडेंस, हमें खुद पे डांस करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं ये कर दिखा सकती हूँ, ये मुझसे हो पाएगा, ऐसा हमें खुद पे कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर ये आपको कॉन्फिडेंस होगा तो आप डांस का कोई भी कर सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सप्रेशन। अगर आपको डांस करना पसंद है तो एक्सप्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है।
मतलब कोई ऐसा इमोशनल होगा तो इमोशनल एक्सप्रेशन, ये सब आपको एक्सप्रेशन करने पड़ते हैं और वे उसके ज़रूरत भी होती है, समझ में आया। तो कॉन्फिडेंस और एक्सप्रेशन, और मैंने जो पहले 3 पॉइंट्स बताए तो आपको ज़रूर करना फ्लेक्सिबल बॉडी के लिए और डांस के बारे में। तो चलिए, ये था मेरा आज का वीडियो, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, मतलब मैं आपको मेरे टीचर, योगा टीचर और भरतनाट्यम के टीचर के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ। तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत कुछ मैं आपको दिखाने वाली हूँ और सिखाने भी वाली हूँ। तो चलिए, ये आपको वीडियो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को टिक करना ना भूलिए। तो चलिए, मैं अब चलती हूँ क्योंकि मुझे भी चलना है, मेरे सेहत का भी मुझे भी ख्याल रखना है। तो चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए, बाय बाय। तो चलिए, मैं चलती हूँ।